खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से है। SC ST उत्पीड़न में लाभुकों के लिए 4,75,000 स्वीकृति। महागामा विधानसभा के विधायक दीपिका पांडे सिंह, उपायुक्त भोर सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक गोड्डा YS रमेश की ऑनलाइन उपस्थिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिया। समीक्षा में क्रम में उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अनुदान हेतु 16 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न को कुल 4,75,000 रुपये राहत अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है। पथरगांव में खेल खेल में कुएं में गिरे भाई बहन एक की मौत। खबर गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र की है। सोनारचक पंचायत अंतर्गत जमडिया गांव में बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे खेल खेल में सगे भाई बहन एक कुआं में गिर गए। आसपास के लोगों ने यह देख दोनों को बचाने के लिए कुआं में छलांग लगाया और कुआं से बाहर निकाला। परिजन भी वहां दौड़े आए तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरगामा में दोनों को भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने 8 वर्षीय बिंदी कुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं 6 वर्षीय राम कुमार को गंभीर हालत में गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अमडीहा के बिंदेश्वरी कुमार की बेटी की मौत होने पर घर में मातम छा गया। विशेष जांच के लिए गए 991 सैंपल, 12 नए संक्रमित। जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के अलग अलग स्थानों में शिविर लगाकर कोरोना जांच की गई। एंटीजन रैपिड टेस्ट में कुल 991 सैंपल की जांच की गई, जिसमें जांच के दौरान जिले भर में 12 नए संक्रमित गए। RT-PCR जांच के लिए यहां से करीब 650 सैंपल धनबाद भेजा गया है। इसकी जांच रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। 12 लोगों को संक्रमित होने की पुष्टि की गई, वे गोड्डा सदर, पथरगामा, महागामा, मेहरमा, सुंदरपहाड़ी और पोड़ियाहाट प्रखंड के हैं। सिंचाई के लिए बनी नहर में गिराया जा रहा है कचरा। लंबी प्रतीक्षा के बाद किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए बनी त्रिवेणी नहर अब किसानों की सिंचाई सुविधा के बजाय गंदा नाला में तब्दील होती जा रही है। यहां शहर के नहर चौक के पास त्रिवेणी नहर गंदा नाला बन चुका है। आसपास के लोग कचरा फेंकने के साथ ही घर का नाला भी मिला रहे हैं। इससे किसानों की सिंचाई सुविधा प्रभावित हो रही है। इस संबंध में सिंचाई प्रमंडल गोड्डा ने नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा है। कहा गया है कि किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए बनी नहर में किसी भी प्रकार का कचरा और गंदा पानी बहाना गलत है। गोड्डा अनुमंडल में धारा 144 30 सितंबर तक बढ़ा। मुख्य सचिव झारखंड सरकार के आदेशानुसार आगामी 30 सितंबर 2020 तक कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु लॉकडाउन अवधि विस्तार किया गया है तथा कोरोना संक्रमण को रोकने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए संपूर्ण गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा संजय PM कुजरू के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है, जो आगामी 30 सितंबर 2020 तक लागू रहेगी। खबर देवघर से, बाबा दर्शन के लिए 1 सप्ताह का वेटिंग चल रहा है। ई पास, पूर्व मंत्री को VIP सुविधा पर भड़के पुरोहित। बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 1 सप्ताह की प्रतीक्षा करनी होगी। सरकार ने एक दिन में अधिकतम 200 श्रद्धालुओं को ही दर्शन पूजन के लिए अनुमति दी है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन कराने की व्यवस्था है, लेकिन अगले सप्ताह तक का कोटा पूरा हो चुका है। फिलहाल झारखंड के लोगों को ही आराधना की अनुमति दी गई है। इसके लिए अर्घा लगाया गया है। 2 दिनों की सांकेतिक हड़ताल खत्म। विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के दूसरे दिन गुरुवार को पानी टंकी स्थित डिपो से रैली निकाली गई। रैली में शामिल हड़ताली कर्मी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए निगम कार्यालय परिसर में पहुंचे। यहां पहुंचकर रैली धरना में तब्दील हो गई। परिसर में धरने पर बैठे कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। खबर है पाकुड़ के लिटीपाड़ा प्रखंड से। मनरेगा में JCB के उपयोग पर मुखिया समेत 3 पर होगी कानूनी कार्रवाई। लिटीपाड़ा प्रखंड के बांडू पंचायत में संचालित मनरेगा योजना में श्रमिक शक्ति को दरकिनार कर JCB मशीन का उपयोग किया गया है।
ग्रामीणों की शिकायत के बाद उप विकास आयुक्त के निर्देश पर जांच हुई, जिसमें जेसीबी के उपयोग की बात सामने आई। अब जिला प्रशासन संबंधित पंचायत के मुखिया, पंचायत सेवक व बिचौलिया के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। बताया जाता है कि बांडू पंचायत मनरेगा के तहत फुटबॉल मैदान का समतलीकरण, खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम व दो शौचालय का निर्माण 3,09,000 की राशि से किया जाना था। इनमें से श्रमिकों के बजाय जेसीबी का उपयोग किया गया। मनरेगा में काम मांगे अभियान के तहत सोशल ऑडिट की टीम ने जब बीते सोमवार को बांडू पंचायत के बादलपुर गांव पहुंची, तो वहां मैदान के समतलीकरण के लिए मनरेगा मजदूरों से काम लेने की बजाय स्थानीय बिचौलिया द्वारा जेसीबी के माध्यम से मैदान का समतलीकरण का काम किया जा रहा था। ग्रामीण ने सोशल ऑडिट टीम से इसकी शिकायत की, जिसके बाद ऑडिट टीम ने उप विकास आयुक्त से शिकायत की। उप विकास आयुक्त इसे गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठन कर जांच का आदेश दिया है। आधार केंद्र खोलने के लिए दे अनुमति, खबर बताया जा रहा है कि पाकुड़ से है। नया आधार कार्ड बनाने व आधार कार्ड में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने की मांग को लेकर झामुमो जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने बुधवार को उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह से मुलाकात की। इस संबंध में जिला अध्यक्ष ने DDC को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पाकुड़ प्रखंड में व्याप्त आधार कार्ड की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्हें पाकुड़ में नया आधार कार्ड बनाने व सुधार करने के लिए बंद आधार सेंटर को खोलवाने की मांग की। कहा कि सेंटर खुलने के बाद शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा, इस पर उप विकास आयुक्त ने आश्वासन दिया है। खबर है दुमका के सरैयाहाट से, किसानों को उपलब्ध कराए ऋण। प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को BDO दयानंद जायसवाल की अध्यक्षता में LDM प्रवीण कुमार की मौजूदगी में BLBC की बैठक की गई। बैठक में KCC ऋण, SHG प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण की चर्चा विस्तार से किया गया। बैठक के दौरान LDM ने KCC ऋण पर जोर देते हुए सभी बैंकों से अपना अपना लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। किसानों को आवश्यक परेशानी करने एवं ऋण स्वीकृत नहीं करने पर संबंधित बैंक पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि KCC में 1,00,000 तक की ऋण में LPC की आवश्यकता नहीं है। 1,00,000 तक के ऋण में LPC की आवश्यकता नहीं है। 1,00,000 से ज्यादा ऋण में ही बैंक लाभुक से LPC की मांग कर सकता है। वहीं किसानों की आय दुगनी करने के लिए KCC फेज 2 में देरी ऋण देने का निर्देश दिया। साथ ही कहा है कि किसान के आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए ऋण दें। इसके साथ ही सभी ऋण धारकों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही रिक्शा, ठेला चालक एवं गुमटी में चाय दुकान चलाने वालों को भी आय बढ़ाने के लिए 10,000 तक ऋण देने का निर्देश दिया है। खबर है जामताड़ा से, नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही खुलेंगी दुकानें। दुकानदारों को जब अपनी कोरोना जांच करवाकर उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आने पर रखनी होगी, तभी वो दुकान खोल बैठ सकते हैं। प्रशासन ने निरीक्षण में खुली दुकान पर दुकानदारों का नेगेटिव प्रमाण पत्र टांगा हुआ नहीं मिला तो उस पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने कोरोना नियंत्रण को ऐसी व्यवस्था बनाई है, नाला निरीक्षण के दौरान जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रकाश चंद्र लाल ने ऐसी चेतावनी दुकानदार को दी है। दरअसल COVID-19 महामारी से बचाव को लेकर क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लगे कोरोना जांच शिविर का निरीक्षण बुधवार को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रकाश चंद्र लाल कड़हिया नाला आम बगान चौक पर शिविर का निरीक्षण किया गया। लाल ने कहा है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतें, स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करें, दूरी बनाकर जीवन गुजर बसर करने के साथ साथ अपने घरों में बारीकी से हाथ धोएं, सैनिटाइजर करें। खबर है जामताड़ा से, आर्थिक सर्वेक्षण का किया गया निरीक्षण। 7वें आर्थिक जनगणना कार्य का निरीक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय धनबाद के वरीय सांख्यिकी अधिकारी काजल कुमार खलखो व तरुण कुमार सिन्हा ने नारायणपुर प्रखंड के सबनपुर, बिष्ठुपुर, एकतापुर, बांस पहाड़ी ग्राम में किया। आर्थिक सर्वेक्षण कार्य का सत्यापन कोविड संक्रमण से बचाव और सुरक्षा मानकों के साथ किया गया। गौरतलब हो कि आर्थिक सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग सरकार की कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में किया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।